आपा जबरदस्त एंड आई थिंक आप पाकिस्तान की सबसे अच्छी होस्ट हैं। अच्छा ये बातें अब तो तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो। नहीं आपा सीरियसली कहीं से लग ही नहीं रहा था कि आपका फर्स्ट शो है। मैं यहाँ मर रही हूँ, मेरा बच्चा और अजहर, मैं क्या करूँ? सानिया से जाके बात करूँ। तुमसे मतलब? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ अजहर, मुझे पूरा हक पहुंचता है ये पूछने का। अजहर बस दिल भर क्या मुझसे? जो समझना है समझो। और भाई? बेटा वो तो सुबह ही ऑफिस चला गया। अच्छा भाभी के अब्बू क्यों आए हैं? तुम्हें किस्सा नहीं पता? नहीं, और भाभी भी कल कुछ बता के नहीं गई। बेटा अजहर उसे तलाक दे रहा है। क्या? तो तुमने सामिया को साफ साफ बता दिया? हाँ। तो वाकई उसको छोड़ रहे हो? हाँ, सुबह उसके अब्बू भी घर आए थे। तो अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी? नहीं, वो अब अपने घर पे रहेगी हमेशा के लिए। क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लग रहा था मैं बकवास कर रहा हूँ? आई लव यू। लव यू टू मेरी जान। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल पिघल जाएगा और तुम ये सब कुछ नहीं कर सकोगे। इट्स ऑन बेबी। और एक और खबर दूं? मेरे अकाउंट में 1 करोड़ और ट्रांसफर हो गया। अम्मी का घर भी बिक गया है और पैसे बैंक में आ गए। एक काम करते हैं, हम इस तमाम पैसे को एक ही अकाउंट में रखवा देते हैं और फिर मैं इसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा लोन अप्लाई करूंगा। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे हम पाकिस्तान को बाय बाय कर देंगे। जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा लोन मिल सकता है। बाद में हम पकड़े गए तो? नहीं सुनो, तुम मुझे कल चेक दे देना, मैं अपने मैनेजर के थ्रू उसे डिपॉजिट करवा दूंगा। और कुछ नहीं होगा यार, सारी दुनिया करती है, हम कौन सा अरबों रुपये का लोन ले रहे हैं? हम तो बस छोटा सा लोन ले रहे हैं, यही कोई 20-25 करोड़ का, सिंपल। नहीं है सर, आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ। तुम लोन लो, मैं तुम्हें ये चेक कल दे सकती हूँ। जैसे तुम चाहो। सुनो हम लोग 2 लोन अप्लाई कर सकते हैं, एक तुम्हारे नाम पर और एक मेरे नाम पर। नहीं नहीं अपने नाम पे ले लो लोन, बड़ा वाला लोन। जैसे आपकी मर्जी जनाब, चेक भिजवा देना, काम हो जाएगा। नन्हे में बहुत पार्टी करेंगे हम। ऑफ कोर्स। एक काम करो, यूके का वीज़ा लगवा लो। वीज़ा? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों यार? अगर रिजेक्ट हो गया तो केस तो मेरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर? बता दूंगा मेरी जान। फिलहाल अपने मैनेजर को कॉल कर दीजिए आप, क्योंकि इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होती। वैसे ये अकाउंट तुम्हारे नाम पर है? कॉल कर लूँगी मैं, मैनेजर को कॉल कर लूँगी, डोंट वरी। अब जरा ये पता करो कि कौन सा बैंक लोन देने के लिए मर रहा है।
एस बॉस. वहाँ दुबई में फलसफे के बारे में कोई तो जानता होगा भाई जी. 3 दिन बाद. अल्लाह हिफाजत करने वाला भाई. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. वाह यार, तेरी तो लॉटरी लग गई. मज़े आ गए तेरे. गाड़ियाँ जलाईं, दुकानें लूटी, पैसे जमा किए, वीज़ा लगवाया और दुबई, और खावर की नौकरी बोनस. हिफाजत की हिफाजत. वाह यार वाह. तूने दुबई देखा? हाँ, तस्वीरों में देखा है. सुना है बहुत ही खूबसूरत है यार. हाँ यार, जब लोग इतनी बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो गई. 3 दिन बाद अब्दुल गफ्फार भी दुबई में होगा और मुन्नू एक्टिंग कर रहा होगा. हाँ, वो क्या रहा तेरी शूट का? यार बस वो एक्टरों के चक्कर में थोड़ी डिले हो रही है. हो जाएगी यार. भाई ने तो हद कर दी है. गतिया हरकत है. मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी गिरी हुई बातें कर सकते हैं. क्या बातें? यही कि सामिया जानबूझ के गिरी है. व्हाट नॉनसेंस. एग्जैक्टली, व्हाट नॉनसेंस. सामिया से जितना मैं लड़ी हूँ ना, शायद ही कोई इस घर में लड़ा होगा. और मुझे भी पता है कि वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकती. भाई उसको ज़रूर चीट कर सकते हैं, लेकिन वो भाई को कभी चीट नहीं करेगी. भाई तो खुश नसीब है कि वो उनको छोड़ के नहीं गई. कोई और होता ना, कब का छोड़ के जा चुका होता वो गवादर वाले किस्से के बाद. औलाद होती तो रिश्ता मजबूत हो जाता. ये नौबत ना आती. सामिया तो घर छोड़ के जा चुकी थी. अचानक उसे पता जब चला था कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए शायद रुक गई. मैंने अभी तक ये शादी ख़त्म हो चुकी होती. हमें ही कुछ करना पड़ेगा. क्या करेंगे? मैं तो हिल भी नहीं सकता. बाबा आप फिक्र ना करें, मैं भाई से बात करूँगी. हेलो. हाँ घर आ रहा हूँ. हाँ हाँ घर ही आ रहा हूँ यार. ओके, खुदा हाफिज़. हेलो. हाँ गज़न, क्या वो मैनेजर से बात हुई तुम्हारी? आपा कल शैला का फ़ोन आया था, मिलने के लिए बुला रही है. मिले जी. और कोई ड्रामा डायरेक्टर भी हैं, वो भी मुझसे मिलना चाह रहे हैं कहानी सुनने के लिए. वाओ लिस्पा, दैट्स ग्रेट न्यूज़. लगता है तुम फेमस होने वाली हो. जी आपा, लेकिन मुझे तो ड्रामे के बारे में कुछ भी नहीं पता. इनफैक्ट स्क्रीन राइटिंग तो बहुत ही डिफरेंट टास्क है. तो क्या हुआ? देखो ये इस तरह की चीज़ है जिसको तुम सीख भी सकती हो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी ना उतनी गलतियाँ करोगी, उन गलतियों से सीखोगी. बिसाइड्स कौन तुम्हें कह रहा है कि कल से ड्रामे लिखो? तुम्हारे पास टाइम है ना. ऑल यू हैव टू डू इज़ एन्जॉय व्हाट यू डूइंग. ठीक कह रही हैं. वैसे ये काम तो मैं पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकती हूँ. हाँ देखो, इधर उधर फारिग लोगों के साथ घूमने से बेहतर है कि तुम कुछ क्रिएटिव करो. एंड लिखाई तो तुम्हें फिर बहुत पसंद है ना? जी मुझे तो बहुत मज़ा आता है. गुड. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज शैला को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाओ, क्योंकि वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती है. यू आर राइट. लेट्स सी कल क्या होता है. इंशाल्लाह अच्छा ही होगा. यार बस तू इतने से कपड़े लेकर जा रहा है दुबई? हाँ यार, बाकी सामान वहीं से खरीदूंगा. अगर दुबई जाके भी दुबई के कपड़े ना पहने तो क्या फ़ायदा. यार तू वहाँ से अपनी तस्वीरें भेजेगा मुझे? हाँ, और वो तस्वीरें तू मेरे घर भी पहुँचा देना. हाँ हाँ, तू फिक्र ही ना कर. बस यार दुआ कर कोई सेटिंग बन जाए यार. अबे यार तू कोई झायल आदमी थोड़ी है, तेरी कोई ना कोई तो सेटिंग बन जाएगी वहाँ पे. और तू अपनी डिग्री चलाई हो ना वहाँ पे. सोच तो रहा हूँ कि रिसर्च शुरू कर दूँ. भाई तू ये जो भी करना है कर, पर पाकिस्तान वापस मत आना, तेरे बॉस तुझे मार देंगे. और मुन्नू को भी वहाँ दुबई वुबई बुलवा लेना. मैं दुबई जा इसलिए रहा हूँ ताकि तू भी दुबई देख ले. दादा सिर्फ देखना नहीं है, कोई सेटिंग वेटिंग करवा देना. हाँ तेरी सेटिंग भी करा दूँगा. डन डन. हाँ
तुम हो? मैं समझा सामिया बैठी है। उसे तो आपने घर से निकाल दिया। मैं पूछ सकती हूँ उसने किया क्या था? हलीना, तुम मेरे मामले में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। बोलूंगी। सालों से वो इस घर में रहती आ रही है, एक दिन अचानक आपने उसे निकाल दिया, और ऊपर से मैं ये भी नहीं पूछ सकती कि उसने किया क्या है। वो मेरी भी कुछ लगती है भाई। फाइन, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, सुन लिया? बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको। आपके पास तो गजल है ना, सामिया को कौन मर्द कबूल करेगा? जवाब दें। ये मेरा मसला नहीं है। शर्म करें, गजल आपकी सेक्रेटरी है। किसने बोल दिया तुमसे कि मैं उससे शादी कर रहा हूं? सारा दिन उसके साथ घूमते, सारी रात फोन पे बात करते, शादी नहीं करनी तो कर क्या रहे हैं? आवाज नीची रखो। मैंने कहा ना, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप तो बदल गए हैं सर भाई, पहले जैसे रहे ही नहीं। और गजल को बता देना, कहीं मिली तो मुंह नोच लूंगी उसका। वो अपना मुंह खुद नोचेगी। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? क्या हो गया उस्ताद? कुछ नहीं यार, अब तो कोई पटाखे भी छोड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग मुझे मारने आ गए। तुम तो बड़े सुरमा बनते थे। हाँ यार, सारी बहादुरी निकल गई मेरी। निकलना चाहता हूँ मैं यहाँ से, तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से मैं। तो तू परेशान क्यों हो रहा है? बराबर में मेहंदी चल रही है। मेहंदी में फायरिंग, शादी में फायरिंग, गम में फायरिंग, खुशी में फायरिंग, क्या हो गया हम लोगों को यार? यार तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सारी जिंदगी दुबई में रहे हो, और अब तुम्हारा कराची का वीज़ा लगा। वह भाई, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं तो ऐसी कराची के ख़राब हालात देख रहा हूँ। बहुत डरने लगा हूँ मैं दुबई जाके वापस नहीं आऊँगा। सो जा यार, सो जा। वैसे भी दो दिन बाद तू दुबई जा रहा है। दाल कुछ काली है। दाल में कुछ काला है। नहीं सिली, इस दफा तो दाल ही काली है। भाई का ऐसा एटीट्यूड मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ठीक कह रही हैं आपा, भाई तो इतने रूड हो गए कि बात करने का दिल ही नहीं चाहता। सीरियसली, सुना है ऑफिस में लोगों को गालियां देनी शुरू कर दी उन्होंने। मेरे तो समझ ये नहीं आ रहा कि इनके अचानक पर कैसे निकल आए। अजय भाई ने जो सामिया के साथ किया है ना, उसके लिए खुदा उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। हद होती है बदतमीजी की भी। गजल से मिले इस वक्त? नहीं बेवकूफ़, कल या परसों मिलते हैं, जाके उसे सीधा सीधा कह देंगे। अपना दिमाग ठीक रखो वरना अच्छा नहीं होगा। ओ, क्या बुरा होगा? धमकी देने में क्या है? आपा बैड आइडिया है। मैं तो सोच रही हूँ जाके सामिया से मिलूं। मैं भी चलूँगी। अलिश्पा, भाई को नींद कैसे आती होगी? हेलो जी अम्मी। अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, लगता है मुझे आपको डॉक्टर के पास फिर ले जाना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ बेटा। आवाज़ आपकी निकल नहीं रही, आप कह रहे हैं आप ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। मुझे खुद ही ले जाना पड़ेगा, भाई तो बिल्कुल यूज़लेस है।
बुआ मैं जंग लड़ने नहीं जा रही, इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता नज़र लग जाती है, इसलिए हमने तुम्हारे पर पढ़ के फूंक दिया है, अब तुम जाओ। लेकिन यहाँ की तरह थोड़ी है कि एक बाल्टी भरी और बंदा नहा के फारे। क्या फजूल की बातें करता रहता। अब्दुल गफ्फार चाबी दे दें। थैंक्स। मुझे ये बताएं मुझे सदर साइड से जाना है तो किस तरफ से लूँ? मैं आपके साथ चलता हूँ, गाड़ी कैसे पार्क करेंगे, वहाँ बहुत रश होता है। आप चलेंगे? इसे नाई लेके जाएं तो बेहतर है। Thank you.